नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल हरी एवरीवेयर पे स्वागत करता हूँ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं कि जब चारों भाइयों का इस धराधाम पे अवतरण होता है तो उनके अवतरण के कुछ समय पश्चात महाराजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इन चारों भाइयों का नामकरण कीजिए। गुरु वशिष्ठ अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि आज वो उनका नामकरण करने जा रहे हैं जो कि अनंत हैं। इसी क्रम में सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी का नामकरण करते हैं और उनको अपनी गोद में लेकर के बोलते हैं, जो आनंद सिंधु सुख रासी, जो आनंद सिंधु सुख रासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कहते हैं ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, सीकरते त्रैलोक सुपासी, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। वास्तव में राम का नाम लेते ही एक अलग से आराम की प्रतीति होती है। क्या सही नामकरण किया गुरु वशिष्ठ जी ने। तत्पश्चात भरत जी को अपनी गोदी में लेते हैं और उनको देख के कहते हैं, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब यहाँ पे जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप जब भरत चरित्र पढ़ेंगे कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि भरत जी ने कहीं लंगर चलवाए हैं, कहीं भंडारे किए हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। लेकिन लिखा ना विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व को विश्व का भरण और पोषण करने वाले, उनका नाम क्या होगा, ताकर नाम भरत अस होई। परंतु मैं आपको बताऊं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, इसका अर्थ है कि श्री भरत जी का चरित्र यदि जो व्यक्ति सुन लेता है तो उसका हृदय राम जी की भक्ति से पोषित हो जाता है। तो शायद इसी कारण से गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी का नाम भरत रखा और यह भी बताया कि विश्व भरण पोषण कर जोई। अब आगे शत्रुघ्न जी का नाम रखते समय उन्होंने कहा है, जाके सुमिरन ते रिपुनासा। अब शत्रुघ्न जी ने कहीं पर भी रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी है, कोई युद्ध किया है, परंतु उन्होंने लिखा है ना, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, अर्थात जिनके सुमिरन से ही, रिपु मतलब दुश्मन का नाश हो जाता है, उनका नाम जो है शत्रुघ्न है। तो यदि आप रामचरितमानस में देखेंगे तो रामचरितमानस में अगर जो अयोध्या की सबसे बड़ी दुश्मन थी जिसका नाम था मंथरा,
इसको लोभ रूपा कहा गया। तो उसको जो है मारने का काम किसने किया है? शत्रुघ्न जी ने ही किया है। तो शत्रुघ्न का नाम लेने से ही मानव के अंदर उपस्थित सभी विकारों का नाश हो जाता है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी ने लिखा है, जाके सुमिरन ते रिपु नासा। ये किस रिपु की बात कर रहे हैं? इंसान के अंदर उपस्थित काम क्रोध मद लोभ रूपी जो भी विकार हैं उनका नाश हो जाता है, उनका नाम है शत्रुघ्न। और सबसे अंत में एक दोहे के माध्यम से लिखा है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। तो लक्ष्मण जी का नाम आखिर सबसे अंत में क्यों रखा? जबकि अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले राम जी अवतरित हुए, उसके बाद भरत जी, उसके बाद लक्ष्मण जी, और फिर अंत में शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। तो लक्ष्मण जी को कहा गया सारे जगत के आधार। लक्ष्मण जी किसके हैं? शेष नाग के अवतार हैं, और शेष के ही आधार पे समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। इसी कारण से उनका जो नामकरण है सबसे आखिरी में किया और बताया कि वो सारे जगत के आधार हैं। अच्छा, मैंने संतों से ये भी बात सुनी है, यदि आप इस क्रम में जिस क्रम में गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है इसको आप जरा क्लॉकवाइज कीजिए तो आएगा राम, भरत, शत्रुघ्न और उसके बाद लक्ष्मण। तो मानो ये कहना चाह रहा हूं कि राम जी और लक्ष्मण जी का साथ हमेशा एक साथ ही रहेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।